अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे क्रेयलॉन टीवी पेंट स्टिक के ऊपर जो है पेन के किस तरह आपने यूज़ करना है क्रेयलॉन का ही ये बताऊंगी, साथ ही डिसकलरेशन और डार्क सर्कल्स को हाइड करने के लिए क्रेयलॉन का कौन सा नंबर आप चूज़ करेंगे और क्रेयलॉन का जो कंसीलर है यानी कि डर्मा कलर है, कैमोफ्लेज क्रीम, वो कैसी है हाफ फेस पर मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊंगी। अच्छा, हमारे पाकिस्तान में जो ज़्यादातर हमारी स्किन टोन है या जो पॉलर्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है वो ये FS45 है और उसके बाद FS38 है। ये दोनों टीवी पेंट स्टिक हैं। FS45 जो है वो आपकी स्किन टोन को थोड़ा सा येलो और फेयर में कर देती है, लेकिन FS38 जो है वो जो इस तरह मुकद्दस का कलर है स्किन का, उसको थोड़ा सा मतलब दबा देती है, मतलब कि इतनी फेयर नहीं लग रही होती। तो इसलिए मैं दोनों शेड्स जो है इनको मिक्स करके यूज़ करती हूँ। लेकिन अगर मैं ब्राइडल मेकअप कर रही हूँ तो उसमें मैं हमेशा 2W जो शेड है वो भी थोड़ा सा मिक्स करती हूँ। ये थोड़ा सा पिंक शेड में आ जाता है, पीची शेड में आ जाता है, मीन के इससे कलर बहुत ही फ्रेश जो है आपकी जो फाउंडेशन है वो सेट होती है टीवी पेंट स्टिक। अभी मैंने जो दोनों स्टिक्स हैं वो आपके सामने अप्लाई की हैं, सेम क्वांटिटी में मैंने अप्लाई की हैं और इनको मैंने ब्लेंड किया है या स्किन में अच्छी तरह पेनिट्रेट किया है। रीता जैन का ये ब्यूटी ब्लेंडर है, आप चाहें तो ये इतनी स्मूथ अप्लाई हो सकती है आपकी स्किन के ऊपर कि आप फाउंडेशन ब्रश के साथ भी कर सकते हैं। अब जैसे कि आपको डार्क सर्कल्स जो हैं वो नज़र आ रहे होंगे, तो उसके लिए मैंने चाइन नंबर यूज़ किया है क्रेयलॉन का, वो ये वाला शेड है। इसे ब्रश के साथ भी आप अप्लाई कर सकते हैं, आप किसी भी स्पंज के साथ जिसके साथ आपको कंफर्टेबल हो। आपने बहुत डार्क ये शेड नहीं अप्लाई करना, बहुत कम करना है। आप दोनों आइज़ में फ़र्क यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो है वो थोड़ा सा जो है वो कलर जो है वो माइल्ड हो गया है, वहाँ पर जो रेडनेस और ब्लू शेड आ रहा था या ब्लैक वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब इसके ऊपर आप चाहें तो ब्यूटी ब्लेंडर के साथ भी स्टिक अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो ब्रश के साथ भी ऊपर से डैब करते हुए आपने फाउंडेशन अप्लाई करनी है। ऐसे नहीं करना अगर आप चाहें कि आपका जो नीचे आपने शेड अप्लाई किया है वो दूसरी आपकी जो स्टिक आप ऊपर लगाएंगे जिस तरह के FS45 है उसमें मिक्स ना हो, तो आप उसे थोड़ा सा पाउडर के साथ पहले सेट कर लें और उसके ऊपर फिर दोबारा से आप FS45 या अगर आप 38 यूज़ कर रही हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर FS45 यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे आई एरिया जो है वो थोड़ा सा हाईलाइट करना है, थोड़ा फेयर टोन में बन जाएगा। अच्छा, अगर आपके सामने मैंने अब जो स्टिक है ये इतनी कवरेज देती है आपकी स्किन को कि मैंने आईलिड के ऊपर अप्लाई की है, तो आप देख सकते हैं कि इसने तमाम डिस्कलरेशन जो है वो ख़त्म कर दी है और डार्क सर्कल जो है वो कितने अच्छे से हाइड किए हैं। दोनों थोड़ी थोड़ी मिक्स करके मैंने फोरहेड के ऊपर भी अप्लाई कर ली हैं और आप देख सकते हैं कि फोरहेड के ऊपर जो ये 2 हैं वो एक्नी के जो हैं वो स्पॉट्स हैं। एक्नी स्पॉट्स को अब मैंने यहाँ पर हाइड किया है डर्मा कलर जो है क्रेयलॉन का कैमोफ्लेज क्रीम जो है जो कंसीलर के तौर पर यूज़ होती है उसके साथ। ये भी फुल कवरेज देती है और मैं कहती हूँ वर्ल्ड्स बेस्ट जो कंसीलर है वो ये है। ये बहुत ही थिक है, क्रीमी है, आप आराम से इसे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक बेस्ट थिक जो है कंसीलर है। और इसकी अच्छी बात यह है कि आप अपनी आराम से फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद आपको जहाँ जहाँ अप्लाई करनी है इसमें आपको शेड्स बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। मैंने जो शेड यूज़ किया है आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा और मैं आपके सामने ही दूसरी साइड पर जो आँख का डार्क सर्कल है आपके सामने मैंने वहाँ पर अप्लाई किया है। इवन के लाइटर थोड़ा सा शेड है लेकिन कितनी खूबसूरती से ये बिल्कुल ग्रे इसने नहीं किया और इसने उसे कवर कर दिया है। अब जो है फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद उसके ऊपर मैंने अप्लाई किया है पैनकेक और पैनकेक का जो नंबर है वो यहाँ पर मेरे पास FS45 ही है। इसे मैंने गीला, ये छोटा सा जो स्पंज है मेरे पास, इसे कर लिया है। आपके पास अगर राउंड स्पंजेस हैं आप उन्हें गीला वेट करके अच्छी तरह निचोड़ लेंगे और उसके साथ जो है आप इसे लगा सकते हैं। अच्छा, टीवी पेंट स्टिक जो है वो थोड़ी ऑयली होती है और वो हाथ पर लग जाती है, इसे पाउडर के साथ सेट करना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पर मैं पैन केक के साथ आपको सेट करके दिखा रही हूँ, ये बिल्कुल वाटरप्रूफ हो जाएगी और अपनी जगह पर फिक्स हो जाएगी। लेकिन मेरे पास क्रेयलॉन का ट्रांसलूसेंट पाउडर भी है। बहुत अच्छी बात होती है कि आप जो है ट्रांसलूसेंट यानी कि जो लूज पाउडर होता है उसके साथ अपने मेकअप को सेट करें। अब जैसे कि मैं ब्रश के साथ आपके सामने अप्लाई करके दिखा रही हूँ, ये ब्रश से भी बहुत अच्छे से अप्लाई हो जाता है और कितनी खूबसूरती से अब ये देखें जितनी शाइन आ रही थी या ऑयल आपको नज़र आ रहा था स्टिक का, वो उसने जो है सारा ख़त्म कर दिया है और बिल्कुल उसे मैट करके अपनी जगह पर फिक्स कर दिया है जो हमने पहले स्टिक लगाई थी। मैं इसे आपको अच्छी तरह क्लियर करके दिखा रही हूँ, बिल्कुल ये ग्रे नहीं हुई। ये वाले जो दो शेड हैं एक्चुअली
हमारे पाकिस्तानी जो स्किन है इस पर बहुत ज़्यादा ये कलर जो है मैच करते हैं। और डिसकलरेशन को ख़त्म करने के लिए आप चाइन शेड के साथ 303 जो स्टिक है इसे भी यूज़ कर सकते हैं। ये वाली जो स्टिक है एक्चुअली बहुत ज़्यादा पार्लर्स में जो डार्क शेड्स की लड़कियाँ होती हैं या ब्राइड्स होती हैं उनके कलर को फेयर करने के लिए थोड़ा सा पहले स्पंज के साथ फुल फेस के ऊपर अप्लाई कर लेते हैं ताकि उनका जो डार्क शेड है वो थोड़ा जो है नॉर्मल पे आ जाए, और उसके ऊपर से ये दूसरी जो है पेंट स्टिक है ये अप्लाई की जाती है। और हाफ फेस के ऊपर ही मैंने थोड़ी सी लिपस्टिक और साथ ही थोड़ा सा ब्लशन भी आपको अप्लाई करके दिखाया है कि किस तरह ये खूबसूरती से जो है फाउंडेशन आपकी फ़िक्स हो चुकी है। ऊपर मीवन के ब्रश जो है मैं थोड़ा सा ज़ोर से अप्लाई कर रही हूँ लेकिन आपकी जो नीचे से फाउंडेशन है वो बिल्कुल टस से मस नहीं होती। बाकी आप अपनी स्किन को अच्छी तरह पहले मॉइस्चराइज़ कर लें, और अगर आपके ड्राई पैचेस बनते हैं, स्किन की बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो बहुत अच्छी बात है कि पहले आप कोई भी एक्सफोलिएटर जैसे कि स्क्रब वगैरह है उसके साथ अपनी डेड स्किन को पहले एक्सफोलिएट कर लें फिर इसे अप्लाई करें। और वैसे दुनिया की सबसे बेस्ट जो है और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली जो फाउंडेशन है वो यही है, और हमारे यहाँ सिर्फ ये 2 शेड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा सेल होते हैं। बाकी आपकी अपनी स्किन टोन है, आप अपनी इनकी बहुत ज़्यादा रेंज है, आप जाके आराम से शॉप के ऊपर अपनी मर्ज़ी का और ख़ुद वहाँ से देख कर अपना जो शेड है वो चूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।